वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन हिस्ट्री की और टॉपिक चल रहा है हमारा एनिशिएंट इंडिया में वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन में हम वैदिक सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों की बात कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट हमने ये वाला डिस्कस किया था, ठीक है, कॉथ्स वाला। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखिए अगला पॉइंट जो है हमारे पास उसकी बात होगी आज। चलिए देखिए, ऋग्वेद में मित्र व वरुण देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित है, यानी ऐसा बताया गया है कि मित्र और वरुण जो हैं ये हजार स्तंभों वाले भवन में निवास करते हैं। अगला पॉइंट है, वरुण को ऋतस्य गोवा या ऋतस्य गोपा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इस शब्द का मतलब क्या है समझ लो। इस शब्द का मतलब है साथियों नैतिक मूल्यों के रक्षक, ध्यान रखना। ऋतस्य गोवा का मतलब है जो नैतिक मूल्यों का रक्षक हो वो है वरुण देव, ठीक है। अगला है, शुल्ब सूत्र नामक ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है। और एक्चुअल में भारतीय गणित में भी अगर आप देखो तो रेखा गणित का, ध्यान रखना, शुल्ब सूत्र का संबंध किससे है, रेखा गणित से है, रेखा गणित, ठीक है, ज्योमेट्री जिसे कहते हैं उससे इसका संबंध है। आगे देखिए, आगे है मेरु ब्रह्मांडकी का संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है, ये पेपर में पूछे गए सवाल है। आगे देखिए, वेदों को ध्वनि उच्चारण कहा जाता है या इन्हें श्रुति साहित्य भी कहते हैं, ध्यान रखना। वेदों का एक नाम और है श्रुति साहित्य, एक नाम मैंने आपको पहले बताया था जो कि है संहिता। श्रुति साहित्य का मतलब है ये, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनने के माध्यम से पहुँचे हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है श्रुति साहित्य, याद रखना। आगे देखो, भारतीय परंपरा में वेदों को अपौरुष कहा गया है, पहले ही बता चुका हूँ, श्रुति कहते हैं, अभी जस्ट बताया। पुरुष मेध यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था, जबकि वाजपेय यज्ञ में 21 तथा अश्वमेध यज्ञ में 16 यूपों का विधान था। यूप क्या होते हैं, यूप वो खंभा होता है जिससे बलि के पशु को बांधा जाता था। आगे देखो, पूषण देवता मार्ग चरवाहों तथा पशुओं के देवता थे, ध्यान रखना, इनका रथ बकरे खींचते थे। वैदिककालीन पर्वत मुजवंत सोम देवता का निवास स्थान माना जाता था। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक पृथुवैन्य थे, ध्यान रखना इनका नाम, इन्होंने सर्वप्रथम हल और कृषि की खोज की। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा या जिसे आज हम जानते हैं नर्मदा के नाम से और सदा नीरा नदियों का उल्लेख मिलता है। मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। उत्तर वैदिक काल में प्राच्य देश के शासक सम्राट कहलाते थे, प्राच्य मतलब जो जो पश्चिमी दिशा होती है उसको कहा जाता है प्राच्य। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। श्रौत सूत्र में यज्ञीय विधि विधानों की चर्चा की गई है। अगला फैक्ट देखिए, शूलगव्य यज्ञ रुद्र के लिए किया जाता था। वराह और नरसिंह अवतारों को प्राचीन भारत के साहित्यों में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है। मैं आपको बता दूं, प्रजापति हैं उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता। अगला पॉइंट देखिए, ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे नामक सिद्धांत प्रतिपादक, ये जो सिद्धांत है ये दिया है बीबी लाल ने। ऋग्वेद में किसी भी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय अग्नि देवता को समर्पित होता है, ध्यान रखना। ऋग्वेद के कोई भी मंडल को आप उठा के देखोगे तो उसमें जो पहला सूक्त होगा वो किसको समर्पित होगा, सीधे सीधे अग्नि देवता को। और भारतीय परंपरा में भी आप देखोगे अगर तो कोई भी धार्मिक कार्य बिना अग्नि के संपन्न नहीं होता है, तो ये जो है ये परंपरा काफ़ी पुरानी है, हजारों साल पुरानी है। आगे देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को काशी का राजा कहा गया है। गंगा और यमुना नदियों का उल्लेख हमें सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजा को संदेश देने वाला जो व्यक्ति होता था वो पालागल कहलाता था, ये इसके पद का नाम है। दाशराग युद्ध ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, देखा है हमने, जिसमें एक तरफ थे राजा भरत, मतलब एक तरफ थे भरत जन के राजा सुदास और दूसरी तरफ थे 10 राजा। ये कहाँ पर हुआ है ये भी ध्यान रखना, ये पारुश्रेणी नदी के किनारे हुआ है,
और पारु शनि का वर्तमान नाम है रावी। गाय को अघन्या कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं। आर्य शब्द भाषा का सूचक है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकल संस्कृति में आर्य का शब्द है एक उत्तम व्यक्ति, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है, याद रखेंगे इस बात को, ऋग्वेद में कहीं भी लोहे का कोई भी मेंशन नहीं आया है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की चार प्रमुख नदियां, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कौन कौन सी नदियों के नाम है खासकर अफगानिस्तान की, तो कुरमू, कुभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की सात नदियों का उल्लेख मिलता है, वो कौन कौन सी हैं? सरस्वती, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कहा गया है शास्त्रों में नदी तमा, विपासा, पारुषणी, वितस्ता, सिंधु, शुतुद्री और अस्किनी, ठीक है। इनके वर्तमान नाम क्या है, तो हमने पिछली वीडियो में इसका जो है बात करी थी कि विभिन्न नदियों के प्राचीन नाम और उनके वर्तमान नाम क्या हैं। आगे देखिए, ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है जबकि गंगा का उल्लेख केवल 1 बार ही हुआ है। ऋग्वेद में सिंधु का उल्लेख जो है सर्वाधिक बार हुआ है और सबसे पवित्र जो नदी है वो है सरस्वती, ध्यान रखना, जिसे कहा गया है नदी तमा या देवी तमा। आगे देखिए, आगे वैदिक साहित्यों को श्रुति भी कहते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। वैदिक भारतीय साहित्य में वेद सबसे प्राचीन है। अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है, इसको भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे देखो, अथर्ववेद में मगध व अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इनमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किसमें कहा गया? अथर्ववेद में, ध्यान रखना। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है। किसकी? यज्ञ की। किस उपनिषद में? मुंडकोप में। अथर्वेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है तथा इसका कोई आरण्यक नहीं है, ध्यान रखना, अथर्वेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इनको हम पहले ही देख चुके हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्र श्रवाने की है। कोई उपनिषद पूछे तो उपनिषद है 108, पुराण कितने हैं? पुराण है 18, ठीक है। आगे देखिए, इसमें आगे ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कुलिया परिवार होती थी, मैं आपको बता चुका हूँ। परिवार के लिए गृह शब्द इस्तेमाल होता था, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। देखो, याद रखेंगे, वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक है जबकि इंडस वैली मातृसत्तात्मक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि पुरुष सूक्त में ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनका उल्लेख दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, गोत्र शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र, जैसे खासकर जब आप विवाह करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आपका गोत्र क्या है, तो गोत्र बेसिकली क्या होता है? गोत्र होती है वो जगह जहाँ पर एक ही परिवार के समस्त गायों को बांधा जाता है, उस जगह को कहते हैं गोत्र। और गोत्र का नाम जो है ऋषि के नाम पर पड़ता है, इसीलिए हिंदू परंपरा के अनुसार एक ही गोत्र में विवाह निषेध होता है। क्यों निषेध होता है? क्योंकि अगर आप एक ही गोत्र में विवाह करेंगे तो अगर मान लीजिए आपका गोत्र या सामने वाली जो लड़की है उसका भी गोत्र सेम है, तो कहीं ना कहीं आप लोग भाई बहन निकल आओगे, इसीलिए सजातीय गोत्र में विवाह निषेध है। और इससे जो आनुवंशिक बीमारियां होती हैं वो भी रुकती हैं, इसी वजह से सजातीय गोत्र में विवाह हिंदुओं में नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी, कृषि और पशुपालन उनके जीवन के मुख्य आधार थे, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और देख लेना, ऋग्वेद में वर्णित जो यव शब्द है ये जौ के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये लोग बेसिकली पशु ही पालते थे। ऋग्वेद में मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख है, ठीक है। और अगला पॉइंट देखिए, ऋग्वेद से पता चलता है सिंध और गांधार प्रदेश ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे, ठीक है। थोड़ा सा और है, फिर अगली क्लास में हम पढ़ रहे होंगे उत्तर वैदिक काल को। अच्छा, देख लो जरा, ये वही पॉइंट है, सब हम पढ़ चुके हैं। वैदिक काल मतलब वैदिक साहित्य में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र को समर्पित हैं, सबको पता है। वर्षा के देवता हैं, सब हम पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट देवता हैं साथियों अग्नि, ध्यान रखना। और तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं वरुण।
अग्नि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अग्नि को ईश्वर और इंसान के बीच में मध्यस्थता का काम सौंपा गया है, ये इनके बीच मीडिएटर है। इंसानों की सारी बातों को अग्नि देवता ही ईश्वर तक पहुंचाते हैं। वैदिक साहित्य में कई विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है, यानी काफ़ी पढ़ी लिखी होशियार स्त्रियों का उल्लेख है, जिन्होंने वेदों के मंत्रों की रचना की, जैसे अपाला, घोषा, विश्वावरा, लोपा मुद्रा, ध्यान रखना। ठीक, और लास्ट पॉइंट देखिए, उत्तर वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाली धातु श्याम अयस और कृष्ण अयस की चर्चा मिलती है। ये हुआ साथियों आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे किसी भी पेड़ को प्रोग्राम से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।